अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मार्क रिवर और आज हम जा रहे हैं इफ्तारी करने के लिए जामा मस्जिद। ओवैस भाई, मैं, फैज, हम इंतजार कर रहे हैं शुएब भाई का। तो अब हम वेट कर रहे हैं बस शुएब भाई का, ताकि वो जल्दी से बाहर आए। तो अभी हमें ऑलरेडी काफी ज्यादा देर हो चुकी है और ये ओवैस भाई बार बार कह रहे हैं कि हम कैंसिल कर दें प्लान को। लेकिन कोई ऐसे कैसे कैंसिल कर सकता है इतने दिनों का प्लान अपना। तो इसलिए हम तीनों की तो खैर यही राय है कि हम इस सफर को कैरी ऑन करें, लेकिन ही एक्चुअली वांट्स टू कैंसिल दिस प्लान। उमर भाई के व्लॉग का क्या होगा? मेरा व्लॉग अधूरा रह जाएगा अगर हम आज शाम में से नहीं गए। अभी फिलहाल मेरे कदमों की स्पीड काफी तेज हो चुकी है। इसका रीजन ये है कि ओवैस भाई जो है वो कहीं बाजी ना मार ले मुझे आगे सीट बैठने के लिए, और अगर मैं पीछे बैठा तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगा, और अगर अगर आगे उन्होंने नहीं बैठने दिया तो मुझे पीछे बैठना। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइनली मिल तो गई है, आगे बैठ सकता हूँ। ये बेचारे हाथ मलते हुए रह गए। और से देखें इस शख्स को, इस इनको मैं रोजे की हालत में शहीद कर दूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पर 6:18 हो चुके हैं, अब तो शायद 6:19 हो चुके होंगे मेरे कुछ सेकंड। ये ऑनलाइन मैटर देख रहे हो आपने, देखा अभी दोस्त ही दोस्त की जान ले लेते हैं, देखा बस 6:30 से भी ज्यादा बज चुके हैं और यहाँ पर देखिए ट्रैफिक लगने को तैयार है, काफी ज्यादा गाड़ियां ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अभी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है हमें वहां पहुंच पाना। हमारा जो एक होप थी इस रमजान की कि हम जामा मस्जिद में कम से कम एक दिन इफ्तार करें, तो शायद ये बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, लेकिन कम से कम हम रास्ते में तो कर ही सकते हैं और वहां जाकर बाद में तो हम कुछ और खा सकते हैं इंशाल्लाह। तो बारह मिनट बचे हैं हमारे पास और हमें अभी पहुंचना है। वैसे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तो फाइनली हम यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी काफी ज्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि अभी जामा मस्जिद यहाँ से भी थोड़ी दूर है, तो हमें पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा। पार्किंग हम यहाँ पर आए थे तो हमें अनफॉर्चुनेटली पैदल इतने चलना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी करने का वहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है, और गाड़ी खड़ी काफी ज्यादा पहले करनी पड़ती है, काफी ज्यादा पीछे। तो गाड़ी खड़ी करके अभी हम पैदल चल रहे हैं। और तो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा लगा मुझे एक चीज को देखकर, यहाँ पर कुछ हजरात माशाल्लाह कुछ भाई लोग जो है इफ्तारी का सामान बांट रहे थे। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं था और हम तो अभी कुछ खरीदने के भी लायक नहीं बचे थे टाइम ना होने की वजह से। तो अभी उन भाइयों ने हमें ये इफ्तारी का पूरा एक आप देख सकते हैं किट बांटी, और माशाल्लाह वो रोजेदार लोगों को किटें बांट रहे थे। तो इस तरह से अल्लाह ने हमारा इंतजाम तो कर दिया है वैसे इफ्तारी का। अब वहां पर पहुंचना सबसे बड़ा मसला है अभी, क्योंकि अभी भी हम काफी दूर हैं जामा मस्जिद, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट हमारे पास बचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पर हर जगह दुकानें ही दुकानें और फूड्स के ठेले ही ठेले हैं। लेकिन जो जिस चीज की कमी है वो है हमारे पास टाइम, और टाइम ही सबसे ज्यादा जो है कीमती इस वक्त मालूम हो रहा है, क्योंकि जब तक हम ये खरीदेंगे तो तब तक इफ्तार का वक्त हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी हमें ये किट उन भाई ने दी है, अल्लाह उनको जजाए खैर अता करे कि उन्होंने ये किट हमें प्रोवाइड करी, तो इसी से हम इंशाल्लाह अपना रोजा खोलेंगे। ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, यहाँ देखिए बहुत ज्यादा भीड़ मुझे दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं,
أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. बहरहाल तो अब यहाँ पर हमें कुछ खास मिला तो नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर कम से कम जगह भी नहीं मिली। हम जो मैट लेकर आए थे साथ में वो हम बिछा भी नहीं पाए और हम इंजॉय भी नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो है इफ्तारी करने की तौफीक दे दी और हमें इवन इफ्तार का जो सामान है वो भी मौजूद दे दिया। देख सकते हैं आप रात का नजारा जामा मस्जिद का, माशाल्लाह यहाँ पर इफ्तार भी हो चुका है और नमाज भी हो चुकी है। कुछ लोग अभी जो है सुन्नतें अदा कर रहे हैं, तो अभी हम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह और कुछ, क्योंकि हमने बहुत लाइट जो है इफ्तार किया था तो उसको थोड़ा सा भी और खाना हम खाएंगे और पानी भी हमने अभी कुछ ठंडा मिला नहीं था, तो हम यहाँ पे अभी पानी वगैरह का भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। बाहर निकलते हैं यहाँ से, तो चलिए देखते हैं। इंशाल्लाह तो जैसा कि अभी आपने सुना अनाउंसमेंट, ये यहाँ के शाही इमाम जो है गुफ्तगू कर रहे थे और चांद के मुताबिक बता रहे थे कि आज जो है चांद देखने की कोशिश की गई लेकिन आज चांद नजर नहीं आया, तो इंशाल्लाह जो है कल तो यहाँ पर ईद नहीं है और परसों इंशाल्लाह यहाँ पर ईद होगी। यहाँ पर काफी भीड़ है तो थोड़ी देर लगी यहाँ तक आने में, लेकिन बाहर चलने में भी थोड़ी सी देर लग सकती है, तो अभी चलते हैं। ये नजारा एक दफा और दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ का मेन गेट है, गेट नंबर 1, और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि हमें बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। पीना हर चीज, घूमना फिरना हर चीज हो चुकी है, तो अभी फाइनली काफी रात भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10:30 या 11 बज रहे होंगे, तो अभी हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वहां से निकल चुके हैं और अब घर के लिए रवाना भी हो चुके हैं, तो घर में अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और जज़ाकअल्लाह खैरा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें कि आपको कैसी व्लॉग लगी, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो जज़ाकअल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।